हाँ जी हाँ जी, वो 4 करोड़ का जहाज हम आपको बेच रहे हैं। ठीक है जी। बेबी, चलो करवा चौथ की पूजा स्टार्ट करते हैं, मैं रेडी हो गई हूँ। ओफो, ये तुमने कौन सी साड़ी पहन ली? क्यों, क्या खराबी है इस साड़ी में? अच्छी नहीं है क्या? अरे तुम्हें याद नहीं क्या, ये साड़ी तुमने 9 साल पहले पहनी थी जब हम शनाया मौसी के घर गए थे पूजा के लिए। अरे बाबा, तो क्या हो गया, 9 साल पहले पहनी थी, अब दोबारा तो रिपीट कर ही सकती हूँ ना? नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे खानदान में कपड़े रिपीट करने का रिवाज ही नहीं है यार। मैं तो चड्डियाँ भी रोज नहीं पहनता हूँ, तुम साड़ी की बात कर रही हो। चलो ठीक है, मैं पहन के आती हूँ नई साड़ी। अरे रुको जरा, सबर करो। ये लो नई साड़ी तुम्हारे लिए, ये जब मैं पिछले हफ्ते दुबई गया था ना तब वहाँ से लेकर आया हूँ, सोने की जरिया, पूरी सोने की। वाओ, थैंक यू बेबी, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। हाँ जी सर, हाँ वो 10 करोड़ का एयरप्लेन हम आपसे खरीद रहे हैं। ओके जी। सुनो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों क्यों, क्या करवा चाहते आज? कपड़े लाने मुझे। ओ अच्छा, तो सीधा सीधा मांग लेना, ये ले रख 10 रुपए। 10 रुपए? Oh, no. 10 रुपए में कौन से नए कपड़े आते हैं? नए कपड़े? ए भगवान, नए कपड़े क्यों चाहिए अब? मुझे लगा दर्जी को दिया होंगे रफू वफू करवाने के लिए, दे दिया मैंने 10 रुपए। अरे शर्म कर लो, आज का त्योहार है, आज के दिन तो नए कपड़े पहनने दो। अरे हाँ तो ले लेना नए कपड़े। लाओ दो फिर पैसे। ये क्या बात, क्योंकि पैसे में मैं दूँ? ले ले तू अपने हिसाब से, ले ले नए कपड़े खुद जा। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे क्यों चाहिए नए कपड़े, मैं भी तो बनियान में बैठा हूँ। मोहल्ले की सारी औरतें आज महंगी महंगी जरी वाली साड़ियाँ पहन के आ रही है, और एक मैं यूँ जो हर साल बस ये पुराना सा लहंगा पहन के चली जाती हूँ। अरे तो मैं भी तो यही बनियान पहनता हूँ रोज, मैंने तो कभी जिद नहीं करी कि मेरे को अपनी बनियान में यहाँ गोटे का काम चाहिए, इस वाली साइड पे ना सोने की जरी होनी चाहिए। अरे यार सरला, तूने तो ना कसम से हद मचा रखी है। चलो व्रत तो खुल गया, लाओ अब मेरा गिफ्ट दो। ये लो 1 लाख रुपए शगुन। 1 लाख रुपए? और ये लो नया आईफोन। और ये लो पेरिस की टिकट, 3-4 महीना पेरिस जाओ, घूम के आओ। ओह माय गॉड, पेरिस माय फेवरेट, थैंक यू। और तुम मुझसे कहती थी ना कि मैं तुम पे गुस्सा बहुत करता हूँ। हाँ तो इसका मतलब आप गिफ्ट के तौर पर मुझ पे गुस्सा करना छोड़ दोगे ना? अरे नहीं नहीं, ये लो नया पति। ओए गुस्सा मत करियो इस पे। हैं? चलो अब व्रत खोलते हैं। हाँ अबे ओ कंजर, मेरा व्रत है, मेरा व्रत खोलना है। ओ अच्छा, ले पी ले। चलो नीचे चलते हैं। नीचे? ओ हेलो गिफ्ट। पापा मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, ये गिफ्ट विफ्ट का सिस्टम छोड़ो, मिलने मत दो कोई गिफ्ट। यो छपरे यूट्यूबर्स, मेरा गिफ्ट, मेरा व्रत है आज। ओ अच्छा, वो क्या है ना, सुबह सुबह ना मेरे पैर की नस पे नस चढ़ गई थी, तो गिफ्ट नहीं ला पाया, बाजार ही नहीं जा पाया। कैसे रुके, कैसे चलेगा? चलेगा, दौड़ेगा, लाओ दो। हाँ हाँ ले ले ले। अरे मेरी रानी, दूध दही खाओ, मौज बनाओ। डैड, मॉम क्या कर रही है? मॉम तुम्हारी पूजा की तैयारी कर रही है, आज करवा चौथ है ना? ओ करवा चौथ, लेकिन ये करवा चौथ क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बेटा देखो, ये एक होली फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल के दिन वाइफ अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए फास्ट रखती हैं। ओह तो मॉम आपको प्यार करती है। नॉटी बॉय। पापा, ये मम्मी क्या कर रही है? अरे मुझे क्या पता क्या कर रही है तेरी मम्मी, खुद पूछ ले अपनी मम्मी से। मम्मी ये आप क्या कर रहे हो? अरे बेटा आज करवा चौथ है ना, तो उसी की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। ओ करवा चौथ, लेकिन ये करवा चौथ बनाते क्यों हैं? ओहो जा अपने पापा से पूछ, वही बताएंगे। पापा करवा चौथ बनाते क्यों हैं?
अरे बेटा ये सब चोंचले हैं इन औरतों के गिफ्ट ऐंठने के। क्या बोले? ओए माँ। कुछ नहीं, मैं बोला कि मुझे नहीं पता ये करवा चौथ क्यों मनाते हैं, मुझे पता। अच्छा बेटा मैं बताती तुझे कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है। तो एक दिन लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू उनसे नाराज हो गए और बोले कि हमेशा सब लोग आपको ही पूछते रहते हैं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। तो उस दिन लक्ष्मी जी ने सभी उल्लुओं को वरदान दिया कि हमेशा मेरी पूजा से पहले अब लोग तुम्हें पूजेंगे, और इसलिए दिवाली से 11 दिन पहले सब लोग करवा चौथ मनाते हैं और उल्लुओं को पूजते हैं। और ऐसे ही आज हम करवा चौथ मना रहे हैं और सभी उल्लुओं को पूजेंगे। यानी कि मम्मी रात को उल्लू की पूजा करेगी, पापा उल्लू उल्लू। चुप कर जा, तेरे को भी बताता हूँ। क्या बात कर रहा है? पापा उल्लू कह रहा है। बेबी ये लो ब्रेकफास्ट। अरे नहीं नहीं, आज करवा चौथ है ना, तो मैंने भी आज तुम्हारे लिए फास्ट रखा है। ओह आप कितने स्वीट हो, आपने मेरे लिए फास्ट रखा है। और क्या, अब चलो जल्दी से घर की सफाई कराने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। आज काम वाली दीदी वैसी नहीं आई, तुम अकेले करोगे तो थक जाओगी, आ जाओ। ओह कितना स्वीट हस्बैंड मिला है मुझे, मेरे काम में हेल्प भी करवाता है, मेरे लिए फास्ट भी रखता है। तुम खुद क्यों नहीं कर लेते हो, नौकरानी हो गया मैं इस घर की। एक तो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखूं, पूरे दिन भूखी प्यासी बैठी रहूं, और तुम यहाँ सांड की तरह बस चूसते रहो। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, वो तो तुम सफाई कर रही थी तो मैंने बस प्यार से कह दिया कि थोड़ा यहाँ गंदगी रह गई, प्यार से बोला मैं बस। प्यार? अच्छा मैं दिखाती तुम्हें प्यार क्या होता है। ये उठाओ झाड़ू और पूरे घर में झाड़ू लगाओ, और हाँ सिर्फ झाड़ू नहीं, उसके बाद तुम्हें पोछा भी लगाना है, और पोछे के बाद सारे के सारे बर्तन धोने हैं, और सिर्फ बर्तन ही नहीं उसके बाद कपड़े धोओगे और उन्हें छत पर सुखा के भी आओगे। अरे मैं नन्ही सी जान इतना कुछ कैसे करूँगा। नन्ही सी जान तुम? अरे नन्ही सी जान तो मैं हूँ जो तुम्हारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही थी, और भूखे प्यासे रह के भी ये घर का काम कर रही थी। लेकिन बस अब और नहीं, अब घर का काम करोगे तुम। लेकिन मैं कैसे करूँगा इतना कुछ अकेले। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। चली गई, लगता प्यारी समझ गई। चुपचाप सारा काम करो वरना मैं ये खाना खाकर अभी व्रत तोड़ दूंगी। अबे ओ पागल है क्या, अबे मेरी उम्र का व्रत है वो, मत खा बहन प्लीज, मेरा मतलब बीवी मत खा प्लीज। तो काम करो चुपचाप। लेकिन वो कर रहा हूँ नहीं मत खाओ कर रहा हूँ। यार कहाँ फंसा दिया। अरे ये सब क्या है, इतने सारे गिफ्ट। अरे आज आपने मेरे लिए व्रत रखा है, मेरी लंबी उम्र के लिए इतना कुछ सैक्रिफाइस किया है, तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। खैर अब जल्दी से रेडी हो जाओ, शाम को 5 बजे की हमारी यूएसए की फ्लाइट है। नहीं नहीं पर अभी कैसे जा सकते हैं, शाम को चांद भी तो देखना है ना। अरे बेबी तो चांद देखने तो जा रहे यूएसए। यार ये दिल्ली में कहाँ चांद देखोगी, इतना तो पॉल्यूशन है। तुम कहाँ जा रहे हो, चलो मेरे साथ व्रत खुलवाने। अभी तो शाम के 7 ही बजे हैं, अभी थोड़ी आया होगा चांद ठीक से। मुझे नहीं पता कुछ भी, व्रत खुलवाओ मेरा, और वैसे भी 8 बजे मेरा सीरियल आने वाला है, वो मिस नहीं कर सकती मैं। आज तो पता है करवा चौथ स्पेशल आएगा, आज तो तुलसी मिहिर की चाय में जहर डाल देगी। तुलसी ने मिहिर की चाय में जहर डाल दिया? हाँ। अरे लेकिन तुलसी तो मिहिर से बहुत प्यार करती है ना, तो फिर उसने जहर क्यों डाला? अरे तो करवा चौथ वाले दिन अगर बीवी को सस्ता सा फालतू गिफ्ट देगा तो बीवी तो जहर ही डालेगी ना, और क्या करेगी, प्यार व्यार तो होता रहेगा, करवा चौथ वाले दिन बड़ा सा गिफ्ट होना चाहिए। बड़ा गिफ्ट और क्या, सोने का नेकलेस, हीरे की अंगूठियां, मोतियों का हार, अशर्फिया, बर्फिया। खैर वो छोड़ो, तुम क्या दे रहे हो मुझे जल्दी बताओ। गिफ्ट
गिफ्ट दूंगा ना, गिफ्ट बिल्कुल दूंगा गिफ्ट, लेकिन पहले व्रत खुलवा देता हूँ, फिर व्रत के बाद गिफ्ट दूंगा। हाँ अरे तो तुम्हारे गिफ्ट के हिसाब से ही तो छलनी यूज करूंगी ना। मतलब देखो अगर तुम मुझे बड़ा सा गिफ्ट दोगे तो मैं तुम्हें देखूंगी इस आटे वाली छलनी से, और अगर तुम मुझे छोटा सा गिफ्ट दोगे तो मैं तुम्हें देखूंगी इस चाय वाली छलनी से। तो तुम एक काम करो, मुझे ना आज इससे देखना। क्या मतलब, क्या गिफ्ट लाए हो तुम मेरे लिए आज? वप 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 वप। तुमने तो बोला था कि तुम्हें कुछ सोने का मिल जाता तो मजा ही आ जाता। हाँ तो सोने की चीज तो बहुत अच्छी होती है, और हम लड़कियों को तो सोने की चीज ही पसंद है। नहीं नहीं वो वाला सोना नहीं, ये वाला सोना। नींद की गोली लाऊं तुम्हारे लिए, इसे खाओ मस्त और सो जाओ। ऐसे भी पूरा दिन मेरा दिमाग खाती रहती है औरत, एक तो मुझे चैन से जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ का व्रत रख के मुझे चैन से मरने भी नहीं देती। वाह भाई वाह। अच्छा तुम्हें अभी बताती हूँ मैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, वीडियो का बेस्ट पार्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मेरा चैनल जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार, लाल वाला बटन है दबा लो, एकदम फ्री है, सब्सक्राइब करो गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल। ये मेरा इंस्टाग्राम आ रहा है, यहाँ पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक बाय। यार ये क्या यार।